हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर 76 है। आप पार्ट नंबर 75 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे शब्द यानी संबंधित दिया है। देखिए डामर जो है डामर, डामर आपका सड़क से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको ईंट है ना ईंट, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसे से संबंधित है, ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डामर, डामर जो है ना वो सड़क से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको ईंट है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, ये चार ऑप्शन में से बताना है कि किसे से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखने के बाद में क्या होता है, डामर, डामर क्या होता है, डामर से क्या होता है, सड़क बनता है। यानी डामर का मतलब क्या हो गया, जैसे गिट्टी हो गया, ठीक उससे बड़ा बड़ा रोड़ा हो गया, इसे क्या बनता है, आपको क्या बनता है, सड़क बनता है। क्या बनता है, डामर से सड़क बनता है। ठीक उसी प्रकार से ईंट, ईंट से क्या बनेगा, ईंट से चार ऑप्शन में देखेंगे क्या बनेगा आपको। देखिए ईंट से कपड़ा तो बनेगा नहीं, ईंट से फ्रिज, फ्रिज में नहीं बनेगा, यानी फैब्रिक में नहीं बनेगा, क्या बनेगा, दीवार बनेगा। क्या बनेगा, दीवार बनेगा। जिस तरह से डामर से आपको सड़क बन रहा था, उसी तरीके से ईंट से क्या बनेगा, ईंट से आपको दीवार बनेगा। क्या बनेगा, दीवार बनेगा। तो दीवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। देखिए नीचे एक क्या दिए, आपको श्रृंखला दिए, इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन से संख्या भरा जाएगा। देखिए श्रृंखला हो रहा है कि एक, एक से क्या हो रहा है, दो है, दो से क्या हो रहा है, छः हो रहा है, छः से क्या हो रहा है, चौबीस हो रहा है, चौबीस लेकर हो रहा है 120 हो रहा है। तो 120 लिए पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक, एक से क्या हो रहा है, दो हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, दो हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, दो हो रहा है। तो एक से दो हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, ठीक ये एक किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर किस प्रकार चल रहा है। ठीक दो से क्या हो रहा है, छः हो रहा है, दो से क्या हो रहा है, छः हो रहा है, छः से क्या हो रहा है, चौबीस हो रहा है, चौबीस ले क्या हो रहा है, 120 हो रहा है। 120 ले आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक, एक से एक माने इसको देखेंगे ध्यान से, एक क्या चल रहा है, दो से, एक से दो चल रहा है, यहाँ तक अभी सीरीज चल रहा है, दो से एक के बाद छः आ गया, ये श्रृंखला यानी सीरीज नहीं चल रहा है। क्या रहे, ये सीरीज नहीं चल रहा है, ये सीरीज नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, देखिए एक, एक में क्या करेंगे, दो से गुना कर लेते हैं। जब एक में दो से गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा, दो आएगा, कौन सा आएगा, दो आएगा। दो में क्या करेंगे, तीन से गुना कर लेते हैं, तो तीन गुना का छः आ गया। यानी क्या करेंगे, पहला में, पहला जो है पहला में एक से दो से गुना करेंगे तो दूसरा, दूसरी संख्या आएगा, और दूसरी में क्या करेंगे, तीन से गुना करेंगे तो तीसरी संख्या आएगा। ठीक छः आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए छः चौके चौबीस, क्या हो गया, छः चौके चौबीस हो गया। यानी छः में क्या करेंगे, किसे, चार से गुना करते हैं, किसे करेंगे, चार से, तो चार से जब गुना करेंगे तो चौबीस आ जाएगा। ठीक तो अब क्या करेंगे, चौबीस, चौबीस में क्या करेंगे, चौबीस में हम किससे गुना करेंगे कि 120 आ जाएगा। तो बारह कितना दिए, बारह दिए, चौबीस दिया ना, तो चौबीस में क्या करेंगे, पाँच लिए गुना कर लेते हैं। कहाँ से गुना करेंगे, पाँच लिए गुना करेंगे, किसे पाँच लिए गुना करेंगे, तो पाँच यानी 120 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दो गुना किया है, तीन गुना किया है, चार गुना, पाँच गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छः गुना करेंगे। तो बरछक कितना होता है, बहत्तर, कितना होता है, बहत्तर, बहत्तर में एक जीरो हो जाएगा, कितना हो गया, बरछक बहत्तर। यानी क्या हो गया, ये आपको इसी तरह से सीरीज चल रहा है कि आपको एक में दो से गुना किए तो दो आ गया, दो में तीन से गुना किए तो छः आ गया, छः में चार से गुना किए तो चौबीस आ गया, चौबीस में पाँच ले गुना करेंगे तो 120 आ गया, 120 में छः से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ गया, 720 आ जाएगा। तो 720 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर चुनिए। क्या करना है, अक्षर को चुनना है। यहाँ पर संबंधित अक्षर दिए, एम जी संबंधित किससे हैं, ओ जी से, यानी ओ जे से संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि आर एल जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से
किसी से संबंधित होगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न में क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका एम है ना, एम एम जी जो है ना, वो आपको ओ और जे से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एम हो रहा है, एम से ओ हो रहा है, क्या हो रहा है, एम ओ एम जी से ओ जे हो रहा है। देखिए एम में क्या करते हैं, अगर एम में हम कुछ करेंगे, एम में देखिए यहाँ पर एम में क्या करते हैं, दो को जोड़ देते हैं, देखिए एम हो गया, एम के बाद में क्या आता है, एम के बाद में क्या आता है, एन ओ, एम के बाद में क्या आता है, एन ओ आता है, एम के बाद में क्या आता है, एन ओ। इसमें क्या किया, इसमें आपको प्लस दो कर दिया है, यानी एम एम ही छोड़ देंगे तो एन ओ दूसरा स्थान पर ओ आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए जी, जी से क्या हो रहा है, जे हो रहा है, तो जी से जे किस प्रकार हो रहा है, तो देखिए जी हो जाएगा ना, जी जी के बाद में क्या आता है, एच आई जे, एच आई जे, यानी कितना, इसमें इसका मतलब कि तीन जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, तीन जोड़ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आपको इसमें जोड़ेंगे, देखिए आर आल आर को क्या करेंगे, आर में आपको दो जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, आर आ गया, आर के बाद में आर एस टी, आर एस टी कितना आ गया, टी आ गया। ठीक, अब देखिए एल, एल में क्या करते हैं, तीन जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको तीन जुड़े हैं, ठीक तीन जुड़े हैं, यहाँ पर भी हम तीन जोड़ लेंगे, तो एल हो गया, एल के बाद में तीन जोड़ देते हैं, एल के बाद में क्या होता है, एम एन ओ, एम एन ओ, यानी कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यानी इस जो आर एल है ना, वो टी ओ से समझते हैं, किससे समझते हैं, टी ओ से समझते हैं, तो टी ओ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर किससे तीन जोड़ देंगे। ठीक, तो टी ओ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए ये नीचे क्या है, एक आपको वेन आरेख दिया है, इस वेन आरेख में से आपको ज्ञात करना है कि मनुष्य पिता और आदमी से संबंधित बताना है। ठीक, क्या बताना है, आपस में संबंधित बताना है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया, मनुष्य दिया, मनुष्य के बाद में क्या दिया, पिता दिया, पिता के बाद में आदमी दिया है, यहाँ तक हो गया। अब बताइए इसमें मनुष्य हो गया, पिता हो गया, आदमी हो गया, इन तीनों में से आपको संबंधित आपस में बताना है। ठीक, देखिए मनुष्य क्या होगा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मनुष्य, ये बड़ा वाला क्या होगा, ये मनुष्य हो जाएगा, यहाँ पर एम रख लेते हैं, ये मनुष्य हो गया, मनुष्य जो है ना, मनुष्य मनुष्य जो है वो आदमी भी होते हैं और मनुष्य जो है वो पिता भी होते हैं। देखिए मनुष्य जो है वो पिता भी होते हैं, मनुष्य जो भी है आदमी भी होते हैं, यहाँ पर मनुष्य हो गया, मनुष्य के अंदर क्या होता है, आदमी हो जाते हैं, मनुष्य के अंदर क्या हो जाएंगे, आदमी हो जाएंगे, यहाँ पर आदमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदमी हो गया, और आदमी के अंदर पिता होते हैं, क्या होता है, अंदर आदमी के अंदर पिता होते हैं, क्योंकि देखिए मनुष्य जो है ना, मनुष्य मनुष्य एक आदमी होता है, मनुष्य क्या होता है, एक आदमी होता है, आदमी ही आपको पिता होता है ना, आदमी ही ने आपको पिता होता है, मनुष्य के अंदर एक मनुष्य के अंदर आदमी आते हैं, आदमी के अंदर ही पिता होते हैं। एंड इस तरह का जो वेन आरेख है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख यदि यदि नौ हौच तीन अद्रेट चार बराबर इकतीस हैं और आठ हौच सात यानी अद्रेट दो बराबर क्या है अंठावन है, तो यानी पाँच हौच छः अद्रेट सात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा है उसी को हमको सोल्व करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या पूछा है, सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि नौ हौच जो दिया है ना, नौ हौच तीन अद्रेट चार बराबर क्या लिख रहा है, इकतीस लिख रहा है, तो आपको नौ यानी आठ दिया है, आठ हौच सात अद्रेट दो बराबर अंठावन लिखा है, तो आपसे पूछा है ना कि पाँच हौच यानी छः अद्रेट सात का मान बताना है कि क्या होगा, यानी बराबर में क्या आएगा। ठीक, तो ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि क्या लिख रहे हैं, हौच, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हौच लिखा है। देखिए इसी प्रकार से इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से आपको इसको सबको हम सोल्व करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा है, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे कि इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे, यानी हौच के जगह पर और अद्रेट के जगह पर हम कौन सी यानी क्या रखेंगे, चिन्ह रखेंगे कि आपको जो इकतीस आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा, इकतीस आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जोड़ रखते हैं, क्या करेंगे हम, जोड़ रख लेते हैं, कितना आ जाएगा, नौ तीन कितना हो गया,
4 × 3 = 7 हो गया, यानी 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आ गया। अगर 16 में 2 से भी गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। लेकिन अब तो 31 आना रही है, देखिए, तो इसका मतलब है कि इस तरह का ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए, अगर ये गुना करके देख लेते हैं, क्या करेंगे इस पर? गुना करेंगे, यानी ये इसके जगह पर क्या करते हैं? गुना। ठीक, देखिए, अगर हज के जगह पर गुना कर लेंगे और इसके जगह पर हम गुना कर लेंगे तो 9 × 4 कितना होता है? 36 हो गया। कितना हो जाएगा? 9 × 4 36 हो गया। मान लीजिए 36 में फिर 4 से, यानी 36 में 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 36 = 18 हो गया। तो ये 36 = 18 हो गया, अतिथिली को 9 × 1 = 10 हो गया। यहाँ पर इतना हो रहा है, यानी इसके मतलब इस तरह से ये फॉलो अप नहीं कर रहा है। देखिए, आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं, इसको क्या करिएगा? हज के जगह पर गुना रख दीजिएगा, हज के जगह पर गुना और अदरेट के जगह पर प्लस रख देते हैं। ठीक, देखिए, 9 कितना हो गया? 9 × 3 कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पर कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में क्या करेंगे? 4 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 31 आ गया। कितना आ गया? देखिए, 31 आ गया। कितना आ गया? 31 आ गया। यानी इसका मतलब कि इसी तरह से फॉलो कर रहा है। ठीक, तो हज के जगह पर क्या करेंगे? 8 हज अदरेट दिया है ना, तो इसके जगह पर गुना कर लेंगे और इसके जगह पर हम प्लस कर लेंगे। ठीक, देखिए, 8 को क्या करते हैं? 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो गया। और 56 में क्या करेंगे? 2 जोड़ लेंगे। जब 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 58 आ गया। देखिए, ई वाला कितना आ गया? 58 आ गया। यानी इसका मतलब कि ये फॉलो सही कर रहा है। ठीक, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला में कह दिए हज की जगह पर क्या करेंगे? गुना, गुना की जगह पर प्लस, यानी अदरेट की जगह पर प्लस कर लेंगे। तो 6 × 5 कितना होता है? 30 हो गया। कितना होगा? 6 × 5 = 30 हो गया। और 30 में 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 37 आ जाएगा। कितना आ गया? 37 आ गया। देखिए, इसका मान क्या हो गया? यानी इसका मान आपको यहाँ, इसका मान दिखा दिए, देखिए, इसका मान यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो गया? 37 हो गया। तो 37 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक आपको 2 वेन डायग्राम दिया है। ठीक, इसके जगह पर आपको बताना है कि लुप्त संख्या कहाँ दिया है। ठीक, देखिए, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या दिए, यानी इसका मतलब है इसके जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि आपको 6, इसमें क्या देखेंगे कि आपको बड़ी संख्या कहाँ दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपको कहाँ दिख रहा है? तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, नीचे की तरफ, यानी इसका मतलब है कि 6 को 5 को और 4 को क्या किया है कि आपको 29 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है? 29 लिखा है। इस तरह के प्रश्न में आपको इसी प्रकार से देखा जाता है कि बड़ा किधर दिखा है। बड़ा जब दिया है, यानी इसका सबको जोड़कर बड़ा वाला लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से इसमें क्या रखेंगे, यानी 8 को और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रखेंगे, और 5 को, इस सबको जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करना है हमको, जो कुछ करने के 48 ला लेना है। कितने? 48 हमको लाना है। ठीक, क्या लाना है? 48 लाना है। ठीक, तो देखिए, उसी प्रकार से हम चलते हैं आपको प्रश्न की तरफ। तो देखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या करेंगे? 5, अगर 5 और 6 को क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। जब 6 और 5 कितना हो गया? 11। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 में 4 जोड़ देते हैं। 11 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 × 4 कितना हो गया? 15 हो गया। लेकिन आपको तो यहाँ पर 29 दिया है, यानी इस तरह से आपको फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? इस तरह से आपको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार गुना कर लेते हैं। देखिए, एक बार क्या करते हैं? गुना करते हैं। 6 में 4 में क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। 6 में 4 में गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 × 4 कितना होता है? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। और इसको क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 5 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए, 24 और 5 कितना गया? 29 आ गया। कितना गया? 29 आ गया। ठीक, यानी इसका मतलब किसी प्रकार से फॉलो कर रहा है। तो इसमें भी करेंगे तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? 6, 8 को और 5 को क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे? गुना। 8 × 5 कितना होता है? 8 × 5 कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। और 40 में क्या करेंगे? इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे कि जो 48 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर 8 रख लेंगे। क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। तो जब 8 रखेंगे तो 48 आ जाएगा। किधर रखेंगे? 8 रखेंगे तो 48 आ जाएगा। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया? 8 हो गया। 8 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है। दिया है कि यदि टी बराबर 7 है और वाई बराबर 2 है तो, यानी ट्यूजडे इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा ना कि टी बराबर क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है। वाई बराबर 2 लिख रहा है।
तो बोल रहा है कि ट्यूजडे बराबर क्या लिखेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे टी जो दिया है ना आपको, टी टी के बाद यानी सेवन किस प्रकार से लिखा है, टी को सेवन किस प्रकार लिख रहा है और आपको वाई को टू किस प्रकार लिख रहा है। ठीक, तो टी कितने पाता है, देखिए टी टी कितने पाता है, टी को क्या लिख रहे हैं, तो टी आपको कितने पता है, बीस पता है, कितने पता है, बीस पता है, लेकिन आपको क्या लिख रहा है, टी को मान, टी के मान सात लिख रहे हैं, यानी किस प्रकार से लिख रहा है सात, यानी टी को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आपको क्या हो जाएगा, सात सात लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, सात लिख रहा है, तो आपको सात लिख रहा है, तो सात क्या लिख रहेगा, टी टी के बाद में जी आएगा, क्या आएगा, टी के साथ लिख रहा है, तो टी को सात लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, टी हो जाएगा, तो टी को सात लिख रहा है, तो टी टी के बाद में सात लिख रहा है, तो यानी इसका मतलब है ये विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, टी का विपरीत क्या हो जाएगा, सात हो गया, टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होगा, तो जी का क्या होगा, ये विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत लिखा है, टी का विपरीत लिख रहा है, ठीक है, कह रहा है टी का विपरीत लिखा है, ये क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से देखिए वाई, वाई को क्या लिख रहा है, वाई को आपको दो लिख रहा है, लेकिन वाई कितने पाता है, वाई कितने पाता है, तो वाई कितने पाता है, चौबीस पाता है, कितने पा वाई, नौ वाई आपको चौबीस पाता है, एक्स चौबीस पच्चीस, यानी इस कितने पाता है, पच्चीस पाता है, वाई कितने पाता है, पच्चीस पर, लेकिन क्या लिख रहा है, दो लिख रहा है, यानी इसका मतलब इसमें भी विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये विपरीत लिखा है, क्या लिखा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम ट्यूजडे को विपरीत लिखेंगे, क्या करेंगे, यानी टी बराबर सेवन लिख रहा है तो विपरीत संख्या लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से वाई, वाई बराबर पच्चीस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, दो लिख रहा है, ये भी आपको विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम ट्यूजडे को लिखते हैं, देखिए ट्यूजडे को क्या लिखेंगे, टी दिया है, ठीक, टी के बाद में यू दिया है, यू के बाद में ई दिया है, ई के बाद में एस दिया है, एस के बाद में डी दिया है, डी के बाद वाई दिया है, वाई के बाद यानी ए के बाद वाई दिया है। अब इसको क्या करें, हम विपरीत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विपरीत, तो टी का विपरीत क्या हो गया था, सात हो गया, ये क्या हो गया था, ये विपरीत है, ये क्या हो गया, विपरीत है, क्या है, विपरीत है, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, क्या हो गया, विपरीत, यानी विपरीत लिखा है, ठीक, विपरीत यानी विपरीत, अच्छा विपरीत संख्या है, क्या है, विपरीत संख्या। अब हो गया यू, यू का विपरीत क्या होगा, तो यू का विपरीत छः होगा, यानी यू का विपरीत क्या होगा, छः होगा, तो यू कितने पता है, तो यू आपको इक्कीस पता है, लेकिन इक्कीस का विपरीत यानी यू का विपरीत क्या होता है, एफ होता है, एफ का कितने पता है, छः पता है, ई ई का विपरीत क्या होगा, तो ई का विपरीत आपको बाईस हो जाएगा, एच का विपरीत क्या होगा, आठ हो जाएगा, डी का विपरीत क्या होगा, तेईस हो जाएगा, ए का विपरीत क्या दिया, छब्बीस हो जाएगा, वाई का विपरीत क्या दिया है, दो दिया है। तो देखिए एक ट्यूजडे को क्या लिखेगा, तो विपरीत लिखेगा, क्या है, विपरीत, तो विपरीत देखिए ये विपरीत कितना आ गया, छिहत्तर बाईस, यानी छः यानी सात छः बाईस आठ तेईस छब्बीस दो, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी छिहत्तर बाईस आठ, छिहत्तर बाईस आठ है, तेईस दो बासठ यानी छब्बीस दो, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आठ नंबर प्रश्न है, आठ नंबर प्रश्न आपको दिया है कि नौ, नौ जो है ना वो बीच ले समझते हैं, कि उसी प्रकार से बताना है कि इक्कीस जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर चार ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। ठीक, देखिए ये आपको ऑप्शन हम नहीं दिए थे, क्या दिए थे, ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नौ दिया है, नौ से क्या हो रहा है, बीस हो रहा है, नौ से बीस किस प्रकार हो रहा है, ठीक, नौ से बीस किस प्रकार हो रहा है, तो नौ, नौ में क्या करेंगे, अगर नौ में दो से गुना कर लेते हैं, नौ दुनिया कितना आता है, अठारह आता है, अठारह में अगर दो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, बीस आ गया। ठीक, लेकिन उसी प्रकार से इसमें भी फॉलो करना है, इक्कीस, इक्कीस में क्या करते हैं, इक्कीस में दो से गुना कर लेते हैं, इक्कीस में क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, इक्कीस में क्या करते हैं, दो से गुना कर लेते हैं, इक्कीस दुनिया कितना होता है, जब दो से गुना करेंगे इक्कीस दुनिया कितना होता है, कितना होता है, इक्कीस दुनिया के, इक्कीस दुनिया के बयालीस होता है, क्या होता है, इक्कीस दुनिया के बयालीस होता है, और बयालीस में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए, चौवालीस हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, चौवालीस हो जाना चाहिए, यानी ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी अठारह में दो से गुना किए हैं, नौ दुनिया अठारह, अठारह में दो से जोड़ दिए तो बीस आ गया, यानी उसी प्रकार से इसमें फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, चौवालीस हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछ रहा है कि कौन सा संख्या भर जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, चौवालीस हो जाएगा। तो चौवालीस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये चौवालीस सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर कौन रहेगा, चौवालीस रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।